इंडिया के मैचेस कहीं और करा दें कि भाई क्या आप आईसीसी सैंक्शंस फेस करने को तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है, एक एशिया कप से बात चल के वर्ल्ड कप पे चली गई है। उन्होंने कहा किस चीज के सैंक्शंस, उन्होंने कहा हम ये प्रूव कर देंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को इन इंडिया। सो पीसीबी चीफ इज ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग कि जी अशोक छोड़िए, हमारी तो सरकार ने मना कर दिया, हम तो इंडिया आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने उसको एशिया कप से नहीं जोड़ा, फायदा भाई उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होगा, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट, इंडिया विल हैव टू गो एंड इंडिया मस्ट गो। सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है झुक जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नजम सेठी के मतलब बैकबोन है उस बंदे में कि वो भिड़ चुका है, एसीसी से भी भिड़ चुका है, आईसीसी से भी भिड़ चुका है और बीसीसीआई से भी भिड़ चुका है। और आपको ये अगर लग रहा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब उनका कोई वजूद नहीं है, आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मुकाबले होता है उसमें सबसे ज्यादा कमाई आईसीसी को इन्हीं दोनों टीमों से मिलती है। सावनीग्राम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप और वर्ल्ड कप का जो अब तनाजा है उस पर भारत के बड़े बड़े चेहरे भी बोल पड़े हैं जो के पहले खामोश दिखाई देते थे। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने तमाम चीजों को बकायदा अपने एक प्रोग्राम में कवर किया है और इस पर खुलकर बात की है, पाकिस्तान के मौकफ को भी सामने रखा है और भारत जो पाकिस्तान के साथ ड्रामेबाजियां कर रहा था उस पर भी वो खुलकर बोले हैं और यही सब कुछ आगे चलकर आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के इस मौकफ को अब श्रीलंका और बांग्लादेश की भी तायद हासिल हो चुकी है, यानी जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने पेश किया था उस पर भारत ये बहानेबाजियां कर रहा था कि हम तो चले जाएंगे लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं जा रहे, जिस पर अब जरा इस बात की तस्दीक करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को ऑन बोर्ड लेते हुए अपनी बात की तायद करने पर बाकायदा आमादा कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि पहले जो भारत का मीडिया एशिया कप की सिर्फ रट लगाए बैठा था कि भारत एशिया कप खेलने किसी सूरत नहीं जाएगा और पाकिस्तान की क्या मजाल कि वो आईसीसी का इवेंट यानी वर्ल्ड कप खेलने भारत न आए, लेकिन पर जो गुज़श्ता दिनों नजम सेठी ने अपना मौकफ वाज़े किया है और बकायदा तौर पर भारत के उन इलाकों का नाम लेते हुए बताया है जहां पर बकायदा राइड्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के दस्ते गरेबा हैं, भारत की तो एक रियासत पूरी जल रही है, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और इस पर उन्होंने वाज़े मौकफ दिया है कि हमारी हुकूमत भी हमें किसी भी तौर पर खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर कम्प्रोमाइज करने की इजाजत नहीं देगी। ये बात काफी जाकर अंदर तक लगी भारतीयों को कि वो पाकिस्तान जो सिर्फ एशिया कप पर ही बैकफुट पर खेल रहा था अब फ्रंट फुट पर आते हुए ना सिर्फ एशिया कप के बारे में खेल रहा है बल्कि उसने तो अब वर्ल्ड कप का भी मुद्दा उठा दिया है कि हम किसी भी सूरत वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे क्योंकि हमारी हुकूमत को खिलाड़ियों के लिए काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आगे चलकर यही सारी डिटेल भारत की जुबानी आपको सुनाएंगे कि जब पाकिस्तान को उन्होंने ये धमकी दी कि आईसीसी आप पर सैंक्शंस लगा देगा तो पाकिस्तान ने बड़ा कैजुअली उन्हें जवाब दिया कि किस चीज के सैंक्शंस, ऐसा कौन सा पहली बार हो रहा है, इंग्लैंड ने भी जिम्बाब्वे का टूर नहीं किया था और इस तरह के पहले भी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं जब खिलाड़ियों को या टीम मैनेजमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न्स हो तो उस पर टीमें नहीं जाया करती हुकूमत की इजाजत लिए बगैर। इस सारे मामले पर मजीद क्या बात हो रही है, आइए आपको भारत के मीडिया ही की जुबानी सुनाते हैं, खासकर विक्रांत गुप्ता इस पर क्या बात कर रहे हैं वो सुनना काफी जरूरी है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम दे दिया, उन्होंने कहा जी आप मत करो फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म, उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर करेगा नहीं, ये भी फैक्ट है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो है कि उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का है और इसी हाइब्रिड मॉडल पे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो भाई हम अपने मैच किसी थर्ड कंट्री में खेलेंगे और इसी तरह का हाइब्रिड मॉडल जब 25 का चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें कर लेंगे, इंडिया के मैचेस कहीं और करा देंगे कि भाई क्या आप आईसीसी सैंक्शंस फेस करने को तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है, एक एशिया कप से बात चल के वर्ल्ड कप पे चली गई है। उन्होंने कहा किस चीज के सैंक्शंस, उन्होंने कहा हम ये प्रूव कर देंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को इन इंडिया। सो पीसीबी चीफ इज ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग कि जी अशोक छोड़िए, हमारी तो सरकार ने मना कर दिया, हम तो इंडिया आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने उसको एशिया कप से नहीं जोड़ा, बाय द वे उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मनोज मुझे तो अब ये लगता है कि ये ना एक ईगो टसल हो चुका है राधा। अब सवाल ये होता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। देखिए ये दो बड़ी हस्तियां हैं, अगर आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, नजम सेठी बरसों से स्पोर्ट्स क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं और अब क्या है उन्होंने आकर ये बोल दिया है कि भाई एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा। इसमें भी अभी देखिए क्या होता है कि आप जो कहेंगे अंदर से आप भी जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें 100% मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं की जाती है एंड यू ऑलवेज रेडी फॉर द गिवन टेक। बट मुझे लगता है कि राइट नाउ आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बाइटिंग मोर देन व्हाट दे कैन चू। वो जो वर्ल्ड कप की बात कर गए ना वो थोड़ा आपको थ्रेट करने के चक्कर में एंटेगनाइज ही करेगा। आपने कहा जी हम नहीं आते वर्ल्ड कप खेलने, हमारी सरकार जो है वो इजाजत नहीं देगी। अगर उनकी सरकार इजाजत नहीं देगी वो एक डिफरेंट मौकिफ है, जैसे इंडिया भी यही कहता है कि जी हमारी सरकार इजाजत नहीं देती। बट आईसीसी इवेंट्स में इससे पहले पाकिस्तान आया है एंड मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होगा, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट,
इंडिया विल हैव टू गो एंड इंडिया मस्ट गो. लेकिन लेकिन देखो आप पाकिस्तान ये कमर्शियल वैल्यू जानता है कि हर आईसीसी इवेंट में जो एक मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है और आप जो मर्जी कहें इंडिया को अगर आप टोटालिटी में देखें विश्व क्रिकेट में तो कोई दूर दूर तक नहीं है आपका क्लाउड है सब कुछ है. बट जो आईसीसी इवेंट होते हैं जिसमें ब्रॉडकास्टर भी इतना पैसा देता है और आईसीसी स्पॉन्सर्स भी आते हैं उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इज राइट देयर. और आप ये भी देखो ना आईसीसी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रह गया. बात वही आ जाती है देखिए पाकिस्तान अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से सोचूं तो उनको लगेगा कि यार हमें क्यों क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है, हमें भी क्रिकेट चाहिए, हमें भी हमारे मुल्क ने भी मतलब एक अरसा हुआ होगा कि पाकिस्तान के मुल्क में उनके यहाँ जो आवाम है लोग हैं उन्होंने तो यार क्रिकेट देखी, अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको तो खेलते हुए देखा ही नहीं होगा. मुझे ना मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई इतना भाई जायंट क्रिकेट बोर्ड आप कह सकते हो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है लेकिन अगर आप इन चीजों पे चुप्पी साध रहे ना तो शुभेंदु भाई कहीं ना कहीं हमारा भी फेलियर है. अरे यार फैंस को कुछ जानने का हक नहीं है. एक मिनट बिहाइंड द सीन्स क्या चीज चल रही है. मे बी ये भी हो सकता है आकाश बीसीसीआई अभी ठीक है ये आईपीएल भी चल रहा है रिपोर्ट आ रही है सारी मे भी होता है कि बीसीसीआई इस वजह से यहां पे वेट भी कर रहा होगा जैसे आईपीएल आपका खत्म होगा आप अपना स्टैंड बता देंगे. अधिकारी आए थे उनको मैंने मॉडल बताया उनको एक और मॉडल पसंद आया उन्होंने बोला कि मैं बाकी के बोर्डों से बात कर रहा हूं मामला वहां पर अटक रहा है ये उनका जो भी हो सकता है. उनके फुलेंगे जब आपकी टीम पाकिस्तान जो है इस बार ओडीआई विश्व कप का जो है बायकॉट करने की पूरी तैयारी में. अब ये बातें सुनकर आईसीसी और एसीसी ये तीनों और बीसीसीआई ये तीनों सकते में आ गया है कि अब ये क्या हो गया, ये तो एकदम से बाउंसर निकल गया, ये तो सोचा ही नहीं था. सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है झुक जाएगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. नजम सेठी के मतलब बैकबोन है उस बंदे में कि वो भिड़ चुका है, एसीसी से भी भिड़ चुका है, आईसीसी से भी भिड़ चुका है और बीसीसीआई से भी भिड़ चुका है. और आपको ये अगर लग रहा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब उनका कोई वजूद नहीं है, आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मुकाबले होता है उसमें सबसे ज्यादा कमाई आईसीसी को इन्हीं दोनों टीमों से मिलती है, इन्हीं दोनों टीमों से मिलती है. लोग बहुत ज्यादा देखते हैं. अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है घंटा कोई नहीं देखता है. पाकिस्तान इंडिया बाहर हो गया तो बस रोमांच खत्म हो गया. खैर मान लीजिए लेकिन यहाँ पर जो पीसीबी का स्टैंड है वो ऐसा लग रहा है कि भाई हमने कील ठोकर बैठ गए कि अगर इसके इधर उधर हुआ मामला तो हम बायकॉट करेंगे. और शुभेंदु भाई नजम सेठी साहब अगर आप बात करें देखिए अपने स्टैंड पे वो कायम है, जब इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी थी तब यही दिया था लेकिन वहां पर जिस तरीके से वो जिस कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे थे अब ये दिखाने वाला कॉन्फिडेंस है या क्या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि जो उन्होंने बातें करी जो न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम होस्ट नेशन है तो हमें कुछ तो मैचेस चाहिए. बिल्कुल वो कहीं ना कहीं ये बात उनकी जायज भी है लेकिन आप देखिए करेंगे हमारे पास होस्ट आया हुआ है तो हम चार पांच मैचेस अपने यहाँ कराते हैं बाकी हम आप एक बात मान ले रहे हैं बाकी के मुकाबले बाहर होंगे.